ये जो कचरा यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी हटा दिया जाएगा और मैं शुक्रगुजार हूँ आदित्य ठाकरे जी का और पालक मंत्री सुभाष देसाई का, इन्होंने जो इसका निर्णय लिया बहुत अच्छा, हमको जो है तो इसकी खुशी होती है माशाल्लाह कि उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द हम जो है तो निर्णय लेंगे। पब्लिक के ज़रिए से सुनने को आ रहा है कि भाई कोई बीजेपी के लोग जो है तो MI मजलिस की जो है तो मांग कर रहे हैं, मजलिस के टिकट की मांग कर रहे हैं। नाले को भी कचरे की समस्या को लेकर आपने एक निवेदन दिया था 2-4 दिन पहले, तो उसके बाद क्या प्रतिक्रिया मिला आपको? माशाल्लाह कल तुम्हारे सुभाष देसाई जो पालक मंत्री हमारे महाराष्ट्र के, आज उनका कल यहाँ पे जो तो एक विजिट हुआ जो कचरा मुक्त के बारे में, तो उन्होंने चारों दिशा के जो है तो औरंगाबाद शहर के अंदर कचरे के बारे में उन्होंने जो सर्वे किया और कल उनका यहाँ पे 3-3:30 बजे के दरमियान में जो है तो मैंने एक इससे पहले 8 रोज़ पहले जो है तो एक निवेदन दिया था कचरा मुक्त के बारे में, क्या भाई ऐसे ऐसे फला जगह जो कचरा जो डालते थे 2 साल से जो बंद है, बंद होने के बाद जो है तो ये कचरे की जगह जो आज जो भी है 50-60-70-80 एकड़ जो ज़मीन है इसके बारे में मैंने एक निवेदन दिया था कि भाई इसके अंदर कोई डेवलपमेंट में लाया जाए, इस जगहों को इस्तेमाल किया जाए, जैसे सरकारी स्कूल है और एक बस स्टैंड, एक इंटरनेशनल बस स्टैंड हो, और दूसरा जो है तो मैंने इसका भी एक निवेदन दिया मैंने क्या यहाँ पे एक मंडी हो और कब्रस्तान का एक और शमशान भूमि के बारे में कहा कि भाई यहाँ पे एक कब्रस्तान एक शमशान भूमि हो, जो 40-50 हज़ार की जो है तो हमारे नारे गाँव की आबादी है, यहाँ एक शमशान भूमि नहीं है और कब्रस्तान नहीं है। इस मुद्दे पर मैंने जो है तो अस्तित कुमार पांडे को जो 8 रोज़ पहले एक निवेदन दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हमको एक कामयाबी ये मिली कि कल जो पालक मंत्री सुभाष देसाई और तुम्हारे आदित्य ठाकरे साहब जो यहाँ पे पधारे और यहाँ पे इनका इन्होंने मायना किया और सबको ये आश्वासन दिया गया इसका जल्द से जल्द तो इसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगी और ये जो कचरा यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी हटा दिया जाएगा, और मैं शुक्रगुजार हूँ आदित्य ठाकरे जी का और पालक मंत्री सुभाष देसाई का, इन्होंने जो इसका निर्णय लिया बहुत अच्छा, हमको जो है तो इसकी खुशी होती है माशाल्लाह कि उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर बहुत जल्द से जल्द हम जो है तो निर्णय लेंगे। और इससे पहले मैंने कुछ से बहुत से निवेदन दिया हूँ और हीना नगर के बारे में भी, हीना नगर में डेनिस के बारे में दिया हूँ और वहाँ पे डेनिस नहीं है, कचरे का मसला है, नारे गाँव के बारे में भी जो यहाँ का डेनिस का एक निवेदन दिया हूँ आशित कुमार पांडे साहब को, तो हमारी यही उम्मीद है कि अब इन्होंने जो है तो इसके ऊपर जल्द से जल्द तो कार्रवाई करना चाहिए और नारे गाँव के अंदर डेनिस का काम और कुछ रोड की समस्या का मसला है, इसे जल्द से जल्द करना चाहिए और यहाँ के जो कचरा है इसको जल्द से जल्द उठाना चाहिए। और मुझे दूसरी बात ये कहना है, कुछ हम सोशल मीडिया के ज़रिए से जो सुन रहे हैं और हमारे ये कुछ पब्लिक के ज़रिए से सुनने को आ रहा है कि भाई कोई BJP के लोग जो है तो MI मजलिस की जो है तो मांग कर रहे हैं, मजलिस के टिकट की मांग कर रहे हैं, और जिसने NRC का समर्थन किया आज MIM उसको टिकट देती है तो हम इसको क्या समझे? मांग रहे आप चर्चा सुन रहे हैं कि भाई टिकट 100% सामने वाले का रहेगा, जो हमने देखा है जो NRC के बार बार जो समर्थन किया और बार बार जो है तो BJP के साथ में रहा, जो उस टिकट का मांग हम पब्लिक पब्लिक चर्चे में जब सुनती है तो वो बात मार्केट में चलती है कि फलाने का आदमी का टिकट फिक्स हो रहा है, तो हम असद साहब से भी और इम्तियाज़ जलील साहब से भी और जो है तो गफ्फार कादरी साहब से भी टिकट उसी को दिया जाए जिसका कोई सोशल वर्क हो। वो जो जिसने डिमांड की है जो भाजप में रहकर MIM की टिकट की मांग कर रहे हैं, वो क्या यहाँ के नागरिक रहवासी है? यहाँ नागरिक नहीं है, यहाँ के रहने के, यहाँ उनका बिजनेस चलता है। अच्छा, यहाँ बिजनेस चलने से आज आवाम को जो है तो वो तो आवाम तो ये चाहती है कि भाई हमको प्रॉपर का एक नगर सेवक चाहिए जिसके अंदर कोई सोशल वर्क हो, जो काम करने के अंदर जिसके अंदर कोई जद्दोजहद चाहिए, जिसके अंदर काम के अंदर पब्लिक तो ये चाहती है, लेकिन आज कुछ फिरका परस्ती लोग जो है तो इसको जो है तो मार्केट में चर्चा कर रहे हैं 100% हमारा टिकट हो गया मजलिस का, हमारा ये टिकट हो गया, तो लेकिन मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी से भी और इम्तियाज़ जलील साहब से भी जितने भी हमारे मजलिस के कार्यकर्ता है उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि भाई टिकट उसी को दिया जाए, टिकट उसी को दिया जाए
जिनने जद्दोजहद और जिसने जो है तो तुम्हारे मजलिस के लिए जो है तो कुर्बानी दी है, तुम्हारे खांदे को खांदा लगा कर चला है, तुम्हारे मजलिस के नाम पर लाखों रुपए तुमने सामने वाले ने जिसने खर्चा किया है, और नए आने वालों को आप टिकट देते हो, तो हमने इसको क्या समझना चाहिए। आज मार्केट में वही चर्चा चल रही है कि फलाना का वो टिकट, अगर से भाई हम कोई ऑफिस या कोई खोल दे तो औरंगाबाद शहर के अंदर आज बहुत मांग करने वाले लोग हैं। हर आदमी ने कि नहीं बोल दिया भाई टिकट मुझे मिल रहा है तो मैं ऑफिस खोल दूँ, तो ऐसे हज़ारों लाखों ऑफिस खुल जाएंगे औरंगाबाद शहर के अंदर। ये मुद्दे पे अगर से किसी को टिकट मिलता है, इसके बारे में आप जो तो MIM के जो लोग है पदाधिकारी उनके पास विरोध करेंगे आप? विरोध तो करेंगे ना भाई, तुम टिकट दे रहे किसी और को जो टिकट दे रहे तो कौन दे बेस पे टिकट दे रहे भाई? इनका सोशल वर्कर क्या है भाई? आप कोई भी पार्टी हों दो, कोई भी आम पार्टी हों दो, टिकट उसी मुद्दे पे देती है जिसका सोशल वर्कर क्या है। पार्टी तो पूछेंगे ना भाई तुम्हारे पास जो हम टिकट आपको दे रहे हैं, अब हम ये टिकट दे रहे हैं, आपका क्या सोशल वर्क है यहाँ पे? आपका क्या वर्क है? आपने 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 1 साल में पब्लिक के अंदर रहकर कौन सा आपने क्या काम किया? ये पब्लिक यानी पार्टी का काम है ये पूछना कि भाई आपने जो काम किए भाई टिकट हम आपको टिकट देते हैं, आपको ये करते हैं, तो लेकिन कौन थे बेस पे आप टिकट मांग रहे हैं? आपका क्या सोशल वर्क है? आप सोशल वर्क पब्लिक पूछेंगे ना भाई? मुद्दा काम का आता है और पब्लिक काम को देखती है। MIM के टिकट के लिए आपने भी डिमांड की है? मैंने डिमांड किया हूँ और बहुत से मेरे MIM के साथ में मैंने 3,500 कार्ड यहाँ पे जो तो इलेक्शन के कार्ड बनाया हूँ, मेरे पास प्रूफ है। मैंने MIM के साथ में रह के मैंने आज 200 यहाँ पे 200-250 खंबे के पोल लाया हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है। MIM के नाम से मैंने जो है तो बड़े बड़े प्रोग्राम रखा हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है। एक प्रोग्राम ने MIM के कहीं कैसे प्रोग्राम लिया मैंने MIM के नाम से, मजलिस के नाम से कहीं प्रोग्राम लिया मैंने, टूर्नामेंट है, कुश्तियाँ है, कौवालिया है, यानी अम्बेडकर की जयंती है, यानी धनगर जयंती है, शिव जयंती है, ऐसी कई जयंतियों का मैंने मजलिस के नाम पर जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह नारेगांव में नहीं पूरे शहर के अंदर मजलिस के नाम पर मैंने प्रोग्राम लिया हूँ। आपका पूरा नाम बताइए? मैं साहिब का पठान हूँ और मैं नारेगांव में रहता हूँ, नारेगांव गली नंबर 10। आप कहाँ से इच्छुक हैं लड़ने के लिए? मैं नारेगांव से इच्छुक हूँ लड़ने के लिए। फ्रेंड्स औरंगाबाद अपडेट न्यूज चैनल है भाई, तो औरंगाबाद अपडेट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करो और सनाना सब्सक्राइब करो और फ्री लाइक करो भाई, एक नंबर चैनल है और इसमें सच्चाई।